हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिल्ली की कहानी इतिहास की जुबानी के बारे में बताएंगे। वैसे तो दिल्ली का इतिहास महाभारत काल से शुरू होता है। पुराने किले के पास इंद्रपत नाम का गांव था। माना जाता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ वहीं थी। इंद्रप्रस्थ की नींव पर ही मुगल शासक हुमायूं ने पुराना किला बनवाया था। नीली छतरी और निगम बोध इलाके में भी इंद्रप्रस्थ से जुड़े कुछ साक्ष्य हैं। लेकिन यदि हम बात करें ऐतिहासिक दस्तावेजों की, तो दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। तब से लेकर अंग्रेजों के अधिकार तक दिल्ली मुख्य रूप से 7 बार उजड़ी और बसी है। 7 बार आबाद होने के दौरान अलग अलग शासकों ने यहां पर 7 शहर बसाए। इसी दौरान विदेशी आक्रमणकारी तैमूरलंग, नादिर शाह और अंग्रेजों ने यहां भीषण नरसंहार मचाए। आइए इन 7 शहरों के जरिए जानते हैं दिल्ली के बार बार बसने और उजड़ने की कहानी। पहला शहर लालकोट, जिसे तोमर राजा ने बसाया। दस्तावेज इतिहास में दिल्ली के बारे में पहला जिक्र 737 ईस्वी में मिलता है। तब राजा अनंतपाल तोमर ने इंद्रप्रस्थ से 10 मील दक्षिण में अनंतपुर बसाया। यहाँ दिल्ली का गांव था। कुछ बरस बाद उस पर राजा ने लालकोट नगरी बसाई, लेकिन दिल्ली का गांव का नाम चलता रहा। कहा जाता है कि हुमायूं ने बाद में इसी नींव पर पुराना किला बनवाया। 1180 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय ने किला राय पिथौरा बनाया। किले के अंदर ही कस्बा बसता था। दीवारें 6 मीटर तक चौड़ी और 18 मीटर तक ऊँची थी, लेकिन मोहम्मद गोरी ने उन्हें हरा दिया और भारत में तुर्कों की एंट्री हो गई। दूसरा शहर मेहरौली, जिसे कुतुबुद्दीन ने बसाया। मोहम्मद गोरी के बेटे शहाबुद्दीन ने गद्दी संभालने के बाद अपने भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को कमान सौंपी। ऐबक ने 1206 में दिल्ली से तख्त शुरू किया। उसने कुतुब मेहरौली बसाए। यह दिल्ली का दूसरा शहर था। 4 साल बाद ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो गई। ऐबक का दामाद इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बन गया। बाद में उसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक बनी। तीसरा शहर सीरी, जिसे अलाउद्दीन जी ने बसाया। रजिया सुल्तान के बाद कुतुब की सल्तनत खत्म हो गई। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने सोना लुटाते हुए दिल्ली में प्रवेश किया। मंगोल शासकों ने जब हमला किया, तब खिलजी ने उसके सैनिकों के सिर कलम कर दीवारों में चुनवा दिए थे। इस वजह से उसके किले का नाम सीरी पड़ा। खिलजी ने रेवेन्यू सिस्टम बनाया। फौज और बाजारों पर उसका ध्यान था। अस्पताल भी बनवाए। इन कामों में लगे लोग सीरी फोर्ट के अंदर ही रहते थे। किले के अंदर ही पूरे शहर के ये इंतजाम थे। यह दिल्ली का तीसरा शहर था। चौथा शहर तुगलकाबाद, जिसे गियासुद्दीन तुगलक ने बसाया। खिलजी कमजोर हुए तो 1320 में तुगलक दिल्ली में आ जमे। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किले और ग्यासपुर के आसपास शहर बसाया। यह चौथा शहर था। यह दौर तुगलक से ज्यादा मशहूर सूफी निजामुद्दीन औलिया और उनके शागिर्द अमीर खुसरो की वजह से जाना गया। औलिया तो महबूब इलाही कहलाए, वही खुसरो ब्रज भाषा को अरबी, फारसी में पिरो कर हिंदी जुबान को रंगते रहे। उन्होंने बंदिशें लिखी, राग गड़े, सितार और तबले जैसे साज बनाए, दिलचस्प पहेलियों वाले सुखंड लिखे, कव्वाली भी शुरू कराई। औलिया ने तुगलक वंश के साथ और खुसरो ने 5 सुल्तानों को देखा। पांचवा शहर फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। वह राजधानी को कुछ दिन दौलताबाद ले जाने के बाद दिल्ली लौट आया। उसके बाद उसके चाचा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठे। फिरोज शाह ने यमुना के किनारे कोटला बसाया। यहाँ 18 गांव थे, 10 हमाम, 150 कुएं थे। उसने 30 महल बनवाए, कुतुब मीनार को दुरुस्त कराया, 5 नहरें बनाई। 1388 में उसका निधन हुआ। तैमूर औरंग ने 1398 में दिल्ली पर हमला किया। 3 दिन 3 रात तक लूटपाट हुई। फिरोज शाह के शानदार शहर को खंडहर बना दिया गया। हजारों लोगों के सिर कलम कर दिए गए, लेकिन तैमूर ज्यादा वक्त नहीं टिक पाया। लादियों ने उसे खदेड़ दिया। बहलोल और सिकंदर के बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली को बसाया और खूबसूरत बनाया, लेकिन शहर फिरोज शाह के आसपास का ही रहा। छठा शहर दीनपना, जिसे हुमायूं ने बसाया। इब्राहिम लोदी को मुगलों के संस्थापक बाबर ने हरा दिया। लोदी जंग में मारा गया। बाबर आगे बढ़ गया, लेकिन मुगलों के लोग वहां जमे रहे। बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया, लेकिन उसकी मौत के बाद हुमायूं दिल्ली आ गया। पुराने किले के आसपास के शहर को हुमायूं ने दीनपना नाम दिया। 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं
کو زنگ میں کھا دے دیا اور تین پناہ کو شیر گڑھ بنا دیا. بنگال سے پشاور تک سڑک اسی نے بنوائی تھی جو بعد میں گرینڈ ٹرنک روڈ کہلوائے. روپیہ بھی سوری نے ہی چلایا تھا. ساتواں شہر شاہجہان آباد جسے شاہجہاں نے بسایا. شیر شاہ سوری کی 1545 میں موت ہو گئی. 1555 میں ہمایوں پھر دلی آیا, شیر گڑھ کو پھر تین پناہ بنا دیا. 7 مہینے بعد اس کی موت ہو گئی. ہمایوں کے بیٹے اکبر نے راجدھانی آگرہ میں بنائی. جہانگیر اور شاہجہاں کے سمے بھی آگرہ ہی مغلوں کی راجدھانی رہی, لیکن شاہجہاں نے بعد میں دلی کا رخ کیا اور یمنا کنارے شاہجہان آباد کی نیو رکھی. یہ دلی کا 7واں شہر تھا. اسی نے 1638 میں لال قلعہ بنوایا, 46 لاکھ روپے میں اپنا تخت پاس بنوایا, جامع مسجد بنوائے, چاندنی چوک بسا, مینا بازار بنا. 1739 میں دلی میں ہوا قتل عام. مغل شاسک محمد شاہ کے وقت ایران سے آئے نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر دیا. وہ تخت پاس بھی اپنے ساتھ لے گیا. اس کی مجائے مارکاٹ میں دلی کے 30,000 لوگ مارے گئے. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی انٹری ہوئی. انگریزوں نے بھی لوٹی دلی. کمزور ہوئے بہادر شاہ جعفر انگریز مضبوط ہوتے گئے اور دلی کے مغل شاسک سمٹتے گئے. 1803 میں دلی بھی انگریزوں کے نینترن میں آ گئی. 1857 کی کرانتی میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ جعفر کو ہی نیتا گھوشت کیا گیا. انہوں نے لکھا, غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی, تخت لندن تک چلے گی پھر ہندوستان کی. لیکن جعفر کو گرفتار کر لیا گیا, ان کے 2 بیٹوں کا قتل کر دیا گیا. دلی میں انگریزوں نے قتل عام کیا. بالکل نادر شاہ کی طرح جعفر کو انگریز رنگ بھون لے گئے. موت کے بعد انہیں وہیں دفن کر دیا گیا. 1911 میں کلکتہ سے دلی استھانانترت ہوئی راجدھانی. یہ دلی کے بسنے کا آخری دور تھا جو 1911 سے شروع ہوا اور نئی دلی کہلایا. اس کے لیے دلی دربار براڑی میں سجایا گیا, راجاؤں کو لوٹا دیا گیا. ہزاروں لوگوں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کے چند دنوں کے انتظام لیے براڑی میں استھائی شہر بس گیا. دلی روشنی سے جگمگا اٹھی. جارج پنچم اور کوئین میری کی سواری چاندنی چوک سے گزری. دلی دربار میں آ کر جارج پنچم نے دلی کو راجدھانی بنانے کا اعلان کر سبھی راجاؤں کو چونکا دیا. اس کے بعد ایڈوین لوٹینز نے شاندار عمارتیں بنائی. ان میں وائسرائے ہاؤس یعنی راشٹرپتی بھون اور انڈیا گیٹ شامل ہے. اسے 29,000 مزدوروں نے بنایا. شاہی عمارتوں کے لیے دھولپور, بھرتپور اور آگرہ سے پتھر منگوائے گئے. پتھر ڈھونے کے لیے الگ ریل لائنیں بنائی گئیں. ہربرٹ بیکر نے سنسد بھون بنوایا. اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہماری اور بھی آشچرے جنک ادبھت ایوم رومانچک ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں. دھنیہ واد.